उनको तो सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। ये सिर्फ वोटों की राजनीति कर रहे हैं, वोटों के अलावा इनका कोई उद्देश्य नहीं है। इनको तो हनीमून, हर चीज में हनीमून नजर आता है। कोई दूसरा करे उसको करने मत दो, और हम कुछ करेंगे नहीं। 6000 FIR दर्ज हुई और 150 से ज्यादा ऐसी घटनाएं जिनमें सीरियस छेड़खानी की घटनाएं। अभी तक नाम मात्र के 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, कोई एक्शन नहीं हुआ। ये सारा जो है इनका ध्रुवीकरण करने का तरीका है, हिंदू ध्रुवीकरण करके किस तरह चुनाव जीता जाए। जनता को पता है कि 45 साल में बेरोजगारी हाईएस्ट लेवल पे है, युवा जो है रोजगार के लिए भटक रहे हैं, और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज के भरोसे छोड़ दिया है, उनको जो भिखारी बना दिया है। बहुत भयंकर देखने को परिणाम मिलेगा, बीजेपी का बहुत कम बहुमत आएगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज़। अभी हम मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर जो है आदिवासी महिला बचाओ का धरना प्रदर्शन हो रहा है। क्या कुछ कहेंगे? देश के जो राष्ट्रपति हैं वो महिला हैं और आदिवासी समाज से आती हैं, फिर भी आपको मांग करने की जरूरत पड़ रही है। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, जो आदिवासियों का 1967 से सबसे पुराना संगठन है, 31 स्टेट में काम कर रहा है, उसका मैं राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और नेशनल कांग्रेस का नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हूँ। परिषद की तरफ से हमने ये जो है ज्ञापन भेजा है और सब जिलों से भी ज्ञापन गए हैं, और हम जो है द्रौपदी मुर्मू जी से डिमांड कर रहे हैं। क्या क्या हमने डिमांड की कि आप जो है तुरंत जो है अरेस्ट होने चाहिए जो बदमाश हैं, जो अधिकारी पुलिस वाले या प्रशासन वाले इसमें लिथार्जिक हैं उनके खिलाफ एक्शन हो, उनको नौकरी से निकाला जाए, फास्ट ट्रैक में कोर्ट में केस चला के उनको फांसी की सज़ा दो अपराधियों को, और जो गलत अफवाह फैला के देश को नुकसान पहुंचा रहे, आपसी लड़ाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकारों की ईमानदारी से रक्षा। क्या ये ऐसी घटनाओं पर सरकार से, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से ज्ञापन सौंप कर मांग करना दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? उनको स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। जब चंद्रचूड़ साहब ले सकते हैं संज्ञान, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? उनको लेना चाहिए ना, बिल्कुल लेना चाहिए संज्ञान। क्यों दिखाई नहीं देता उन्हें? क्योंकि उनको अपनी गद्दी बचानी है, क्योंकि उनकी सरकार है वहाँ, उसकी खिलाफत हो जाएगी, जनता में बात फैलेगी। ये तो इंटरनेट वगैरह सब बंद कर रखे, देखिए कितने दिन बाद भी ये घटना सामने आई, और ऐसी वहाँ घटनाएं 6000 FIR हुई है मैडम, 6000 FIR दर्ज हुई और 150 से ज़्यादा ऐसी घटनाएं जिनमें सीरियस छेड़खानी की घटनाएं, और अभी तक नाम मात्र के 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, कोई एक्शन नहीं हुआ। आप समझ सकती हैं कि वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी, ऐसा हो नहीं सकता कि इनके पास रिपोर्ट नहीं आ रही थी। आपका जो है CBI क्या कर रहा है, आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, आपके दूसरे डिपार्टमेंट हैं, और आपका स्टेट का जो रिपोर्ट आती है वो क्या कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता, इनके नॉलेज में नहीं है। और फिर हर चीज़ में कि वहाँ राजस्थान में ऐसा हो गया, छत्तीसगढ़ में ऐसा हो गया, भाई आप घटना की सीरियसनेस भी देखिए ना। मतलब कहता हूँ कहीं भी बदमाशी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक तरह से नंगा घुमाना, हजारों लोगों को बेघर कर देना और निर्वस्त्र करना, और आगजनी जिस तरह की हो रही है उसकी, स्मृति ईरानी ने तो संसद में चिल्लाकर कहा कि राहुल गांधी जाकर उन्होंने दंगा और भड़का दिया मणिपुर में। अब स्मृति ईरानी जी तो कुछ भी कह सकते हैं, वो जो है लॉजिकल बात तो करती नहीं है। उनको हमेशा कैसे अपनी पार्टी को प्रोटेक्शन करना है, चाहे वो बात गलत ही हो, मतलब उनका तरीका गलत ही है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है उनके जवाब के प्रति, फिर वो कुछ भी बोलती हैं। तो ऐसे लोगों से उम्मीद करना बेकार की बात है। उनको तो सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए, मॉरल ड्यूटी बनती है उनकी कि महिलाओं के साथ इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, और वो उल्टा नैतिक जिम्मेदारी लेने के बजाय जो है उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं कि राहुल गांधी जाके। अरे राहुल गांधी गए तो सही, आप तो, आप में तो कोई गया भी नहीं वहाँ, आप तो आप खुद नहीं गई, आप जो महिला बाल कल्याण मंत्री हैं। विपक्ष के सांसद जब गए मणिपुर का दौरा करने, तो सत्ता पक्ष ने कहा कि ये हनीमून मनाने जा रहे हैं, ये इनको हमदर्दी नहीं है। अब इनको तो हनीमून, हर चीज़ में हनीमून नज़र आता है। कोई दूसरा करे उसको करने मत दो, और हम कुछ करेंगे नहीं, तो अराजकता फैला रहेंगे, दादागिरी करेंगे, और जो है संविधान को ताक में रखेंगे, पुलिस को एक्शन,
और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अब तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है मैडम। सुप्रीम कोर्ट क्या क्या सवाल कर रही है और ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं, अब तो पूरे देश के सामने है ना। अब तो कोई इंडिविजुअल की बात ही नहीं है, और देश का सबसे जो, मैं तो सलाम करता हूँ चंद्रचूड़ साहब को कि ऐसे न्यायाधीश हैं जो बोल्डली और न्याय के साथ खड़े हैं। हरियाणा में जो कुछ हो रहा है, अब कहा जा रहा है कि मणिपुर पार्ट टू होने जा रहा है हरियाणा, ये जो इस तरह से जो है नीति रखेंगे तो पूरा हरियाणा के, आप देखना आगे जो है और भी बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा मैं शंका लगती है। क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट पहले से थी पुलिस के पास कि मोनू मानेसर आ सकता है इस जुलूस में, और उसके लिए लोग नाराज थे क्योंकि जो मुस्लिम्स की हत्या हुई थी जुनेद और उस नासिर की, और वो भगा हुआ है, तो क्या पुलिस उसको पहले से, वो तो आया तो था नहीं, बेवजह दंगा भड़का दिया। नहीं, इसमें भी आप देखिए इंक्वायरी होगी तो सब सामने आएगा, और जो है ये सारा जो है इनका ध्रुवीकरण करने का तरीका है, हिंदू ध्रुवीकरण करके किस तरह चुनाव जीता जाए, बाकी जो मेन समस्याएं हैं उनसे ध्यान डाइवर्ट करके और जनता को बेवकूफ़ बना के वापस चुनाव जीतने का इनका तरीका है, और कुछ नहीं। क्या लगता है 2024 में इसका असर दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, अब जनता समझ गई है और जनता इनकी बातों में आने वाली नहीं है। जनता को पता है कि 45 साल में बेरोजगारी हाईएस्ट लेवल पे है, युवा जो है रोजगार के लिए भटक रहे हैं, हमारे जो है नेता जो है मेला लगाते हैं रोजगार का, जब 2 करोड़ रोजगार की बात की थी तो ये फिर 70,000 का रोजगार मेला ये करके क्या करना चाह रहे हैं, और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज के भरोसे छोड़ दिया है, उनको जो भिखारी बना दिया है, रोजगार देने के बजाय शिक्षा अच्छी देने के बजाय उनको जो है 5 किलो अनाज का इंतज़ार करते रहें और वो बेवकूफ़ बने रहें और उनको वोट करते रहें। ये सारी जो सुविधाएं दे रहे हैं इनकी कीमत होती है 2.25 लाख करोड़ सिर्फ, और देश का बजट 40 लाख करोड़ है, तो 80 करोड़ लोगों को आप 2.25 लाख करोड़ में सलटा रहे हो, क्या दे रहे हो? तो आप क्या कहेंगे 2024 में इन सारी घटनाओं का जो परिणाम देखने को मिलेगा? बराबर मिलेगा, बहुत भयंकर देखने को परिणाम मिलेगा। बीजेपी का बहुत कम बहुमत आएगा, ये विपक्ष में बैठेंगे, बहुत ही कम बहुमत के साथ बैठेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि ये जो कर रहे हैं ये सिर्फ वोटों की राजनीति कर रहे हैं, वोटों के अलावा इनका कोई उद्देश्य नहीं है, और वोट लेकर के ये किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं। ये इनका ध्येय है कि हम किसी भी तरीके से सत्ता में वापस आ जाएं, चाहे किसी आम पब्लिक का नुकसान हो और चाहे किसी का भी नुकसान हो। ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर और गरीब आदिवासियों को समझते हैं, उनके नुकसान का सबसे पहले ये एजेंडा ले रहे हैं, इसके बाद में धीरे धीरे सभी का नुकसान करेंगे। इनको सिर्फ वोट चाहिए, जहाँ से वोट मिलेंगे उनको फ़ायदा देंगे ये। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव में जो है परिणाम देखने को मिलेगा, जिस तरीके से वोटों की राजनीति और जाति की राजनीति की जा रही है। बीजेपी साफ तौर पर जैसे राजनीति करती है जाति को लेकर, वो अब परिणाम देखने को मिलेगा, चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो मणिपुर हो। जिस तरीके से जलना शुरू हुआ है उसका परिणाम जो है 2024 में देखने को मिलेगा, और जनता जो है दिखाएगी परिणाम इनका। इस बातचीत पर आपका क्या कहना है, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।